राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या पर सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अमावस्या माता की जरूर लिखें। बोलो अमावस्या माता की जय हो। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में बहुत मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। तब वह बहुत भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख क्या होता है? जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खोज तक न आई। रानी अपने कुंवर को देखने के लिए नीचे आ रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ न हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा, अब मैं लड़ाई में अकेले जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से लड़ाई जीत कर राजा घर वापिस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी, दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा, अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिवजी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यहीं थोड़ी देर जलपान व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहां जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किया। पार्वती ने बकरे का रूप धारण किया। शिव जी से पूछा, स्वामी इस रानी को दुख देखना है, मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता? रानी ने बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसे गौर से इसने सुना कि इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आया। राजा ने अपनी राज्य में प्रजा को सुख अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी।
राजा हर अमावस को अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगा। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार की अमावस हो उसी रोज से आरंभ करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा दान करें, 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसे ही रंग का कपड़ा भी दान करें और कुछ दक्षिणा देवें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा दें और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।